स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करेंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की जब आप बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी यह कहता हुआ नजर आएगा कि इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है, जो सड़क पर लोगों के जो सरकार की नीतियाँ हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो नगर स्तर से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर चुके हैं और अब वर्तमान समय में यह जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और गंगोर जो नगर पालिका है उसमें जो सरकार की ओर से नॉमिनेट किए जाते हैं सभासद, एक सभासद भी मौजूद है हमारे साथ। तो नगर पालिका का चुनाव है गंगो, वैसे तो राजनीतिक राजधानी कही जाती है सहारनपुर जनपद की। तो मुकेश राणा जी जो जमीन पर रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे यानी लगातार हर अपने चुनाव की तैयारियों में जुटी रहती है। तो नगर पालिका के चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्योंकि गंगों की हम बात करें, गंगों पर लंबे समय से काजी परिवार का प्रभाव है, चाहे उनके समर्पित जिला नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों या उनके परिवार का कोई सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष रहा हो। तो सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद भाई साहब, पहली बात तो मेरी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत कि आज मुझे छोटे से कार्यकर्ता को भी आपने आज एक इंटरव्यू के माध्यम या अपने न्यूज़ के माध्यम मुझे भी आज आपने यहाँ पर मेरा समझो इंटरव्यू लेने आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुकेश राणा जी, हमने अभी अपने न्यूज़ में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, यानी एक चुनाव संपन्न होगा तो अगला टारगेट उसका निर्धारित कर दिया जाता है। तो अब नज़दीकी जो चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम के चुनाव हैं, आप नगर पालिका में सभासद भी हैं, सरकार ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, नगर पालिका में सभासद आपको नॉमिनेट किया है। तो राणा जी, गंगो जैसी नगर पालिका, जैसे हमने बताया कि काजी परिवार का यहाँ प्रभाव है और लंबे समय से उनका अध्यक्ष है, तो भाजपा की क्या रणनीति है इस बार? रणनीति तो सभी को यहाँ गंगोनगर वासियों को सबूत पता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई है, पहले सरकार आपने और सरकारें देखी थी और गंगो क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा राजनीति केंद्र बिंदु केंद्र रहा है और दो राजनीतिक घरानों ने कोई आज तक विकास का काम नहीं किया है। जब से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पहले हमारे विधायक जी यहाँ प्रदीप चौधरी जी थे, अब वो हमारे सांसद हैं, अब दोबारा हमारे यहाँ पर विधायक किरत सिंह जी बहुत ही विकास कार्य करवा चुके हैं। अब जनता भी गंगोनगर की क्योंकि उन्हें देख 70 साल से देख रहे हैं कि गंगोनगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ये महसूस नहीं करता कि नगर निकाय चुनाव आ गया, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने काम में लगा रहता है और हमारी सरकार ने गरीब के लिए गंगोनगर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो योजना थी उन गरीबों को मकान दिया है, आज तक उन पर बेचारों को कई जन्मों जन्म छत नहीं बन सकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने उन गरीबों को मकान बनवाया है और गरीबी रेखा वालों को हर महीने फ्री राशन दिया है और स्वच्छ भारत के तहत गंगोनगर को यहाँ पर स्वच्छ बना दिया है। लेकिन गंगोनगर के जो चेयरमैन है या आज तक जो चेयरमैन नहीं करते हैं, कोई विकास कार्य की तरफ नहीं चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास। राणा जी, आपने कहा कि जो वर्तमान समय में चेयरमैन है या पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने विकास नहीं कराया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उन्होंने विकास कार्य नहीं किया तो जनता उन्हें क्यों बार बार आशीर्वाद दे रही, क्यों बार बार उसी पद पर उनको बैठा रही है? ये कहीं ना कहीं हमारी जनता गंगोनगर की बहुत भोली भाली है उन लोगों के, क्योंकि वो डमरू बजाकर उन्हें गुमराह कर हमारी गंगोनगर की बहुत ही भोली भाली जनता है वो गुमराह हो जाती है और आज ये गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जो विकास हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना कोई भी योजना हो सरकार की वो धरातल पर पहुंच रही है और कार्यकर्ता हर घर उस योजना को उन्हें अवगत भी करा रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं। डमरू बजाकर आपने कहा कि जनता को गुमराह करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ये होगा कि धार्मिक भावनाएं भड़काकर या कुछ और अलग? धार्मिक भावना भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को जो बेचारी भोली भाली है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन लोगों को गुमराह कर मुस्लिमों को वो कह देते हैं कि बीजेपी भाजपा मुस्लिमों के खिलाफ है, हिंदुओं को कुछ और कह देते हैं, लेकिन अब ऐसी नहीं है, हमारी गंगोनगर की जनता अब समझ चुकी है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नगर में बनने जा रहा है। तो क्या काट आप लोगों ने निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने कि गंगो नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सके, ऐसी क्या रणनीति आप लोगों की है? हमने आपको, आप जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन से आप
राजनीति करते हैं, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, नीतियों से लोगों को अवगत कराते हैं, तो क्या रणनीति आप लोगों की है इस बार नगर पालिका के चुनाव? रणनीति तो हमारी यही है, हमारी सरकार ने जो विकास किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब हो गए, हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर इतने आवास कहीं किसी नगर में नहीं बने हैं जितने हमारे यहाँ गंगोनगर में बने हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, अपने विधायक जी का और सांसद जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यही हमारी रणनीति है कि कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन सभी के साथ लगातार खड़ा रहता है। लगातार दावे किए जाते हैं, आपने भी सुना होगा जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लगातार दावे करते हैं कि क्षेत्र में हमने विकास कार्य कराया है, लगातार यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको कायम रखने के लिए प्रयास किया है। आपने भी सुने होंगे ऐसे स्टेटमेंट उनकी, आप भी देखते होंगे, तो क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर आप? यही तो डमरू बजाना है इनका, यही इसी में भोली भाली जनता को गुमराह कर देते हैं। विकास आज तक, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय नेता भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे यहाँ पर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज तक विकास किसी ने नहीं किया और अब उनका डमरू बजने वाला नहीं है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतार कर विधानसभा लोकसभा कीरत जी उसका बड़ा उदाहरण है, एक सामान्य ऐसे कार्यकर्ता को दूसरी बार यहाँ से विधायक बना, तो क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश राणा जी को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मौका देगी? भारतीय जनता पार्टी के बड़े झंडावदर में से आप हैं। भारतीय जनता पार्टी में वाकई मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, अभी आपके सामने उदाहरण है कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता से कार्यकर्ता थे और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी पार्टी ने कई बार, क्योंकि नगर पालिका में भी 2001 में नामी सभासद होकर आया हूँ, अब फिर मैं यहाँ पर नामी सभासद नगर पालिका में भेजा हूँ, जिले का जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा हूँ, और मैं अपनी पार्टी से जो मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, अगर मुझे भी पार्टी ने अवसर दिया तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया? मुकेश राणा जी किस मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है सबका साथ सबका विश्वास और विकास। आप देख रहे हैं गंगोनगर में विकास, जो प्रधानमंत्री यानी कि आवास योजना बना के तहत मैं उन गली में और मोहल्ले में गया हूँ कि वाकई बहुत ही गरीब लोग थे, बहुत ही सड़कें खराब थी, लेकिन वो हमारी योजना हमारी सरकार के द्वारा आज वो लोग बहुत ही खुश है, हिंदू या मुस्लिम, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाने जा रहा है। तो क्या संदेश आप गंगोनगर वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे राणा जी? मैं सभी नगर वासियों को इस चैनल के माध्यम यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी भोली भाली जनता है गंगोनगर की, प्रदेश में मुख्यमंत्री और गंगो विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कीरत सिंह जी और हमारे लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी जो विकास के पथ पर चल रहे हैं, वही यहाँ पर आपके दोबारा फिर गंगोनगर में जो चेयरमैन बनना रहा है, इस गंगो को एक चंडीगढ़ की तरह गंगोनगर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिस दिन हमारा बन जाएगा उसकी राह पर चलेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा और गंगोनगर पालिका में नॉमिनेट सभासद मुकेश राणा जी, जिनसे हमने गंगोनगर पालिका के तमाम मुद्दों पर चर्चा की, आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की, जिसको लेकर इन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि आगामी जो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव है उस पर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और गंगोनगर पालिका अध्यक्ष पद पर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। आगे भी तमाम रिपोर्टों के लिए अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक